नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है पांच बड़ी खबरों का। सबसे पहली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत से पाकिस्तान गई अंजू को तमाम दावे कर रही थी, वो कह रही थी कि वो शादी करने के इरादे से पाकिस्तान नहीं गई है। अब उनके ये तमाम दावे झूठे साबित हो गए हैं क्योंकि अंजू ने अपने दोस्त नसरुल्ला से निकाह कर लिया है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अंजू ने इस्लामिक धर्म भी अपना लिया है और अपना नया इस्लामी नाम फातिमा रख लिया है। बताया जा रहा है कि अंजू और नसरुल्ला का निकाह दीर अपर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है। बता दो चले कि अंजू भारत से पाकिस्तान गई थी, उसका दावा था कि वो अपने दोस्त से मिलने पहुंची है, लेकिन अब खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि अंजू ने वहां पर निकाह कर लिया है, नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है और निकाह की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पाकिस्तान से भारत सीमा आई थी और उसने सचिन से यहां पर शादी की। वहीं अब दूसरी खबर सामने निकल कर आ रही है जहां से भारत से अंजू पाकिस्तान पहुंची थी और उसने पाकिस्तान में निकाह कर लिया है। बता दे चले कि अंजू ने निकाह किया है नसरुल्ला से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केके राणा सीधा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। केके राणा, अंजू ने शादी कर ली है यह खबर सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अंजू ने एक वीडियो में कहा था जो उसने वायरल किया था कि हम शादी के पर्पज से नहीं आए हैं, हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं, लेकिन उसने यह भी कहा था कि हमारे घर वालों को मीडिया कर्मी परेशान ना करें, लेकिन उसके तमाम दावे अब झूठे साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सत्यम, अब ऐसे में एक और वीडियो उसका सामने आया है जिस वीडियो में वो नसरुल्ला के साथ अपने प्री वेडिंग शूट पर नजर आती है। जिस वीडियो में एक कोई पाकिस्तानी गाना लगाया गया और उसके बाद उसको शूट किया गया है पाकिस्तान के कई अलग अलग लोकेशन पर, और जिसमें वो और नसरुल्ला दोनों साथ साथ नजर आते हैं। और जब उस वीडियो की स्टार्टिंग होती है तब लिखा हुआ आता है अंजू विद नसरुल्ला, और उसके बाद फिर नीचे जब गाना लगभग वो 2 मिनट 20 सेकंड का पूरा वीडियो है, और जिसमें लगभग 2 मिनट के आसपास के बाद फिर नीचे लिखा हुआ आता है अंजू विद नसरुल्ला दिल। अब ऐसे में ये वीडियो उस पूरी बात को दर्शा देता है जिसमें कल उसने एक वीडियो जारी करने के बाद अंजू ने यह भी कहा था कि उसको वो प्यार में नहीं आई है, वो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए आई है। जबकि नसरुल्ला का बयान ये था जिसमें उसने कहा था कि वो मंगनी भी करेंगे, लेकिन अंजू ने कहा था कि वो शादी या मंगनी के उद्देश्य से नहीं आई है। अब ऐसे में इन दोनों के बयान में कल से ही विरोधाभास नजर आ रहा था, और आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, आज जो वीडियो निकलकर सामने आई, और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी जो बयान सामने आए और जो खबर सामने आई, उसमें ये बताया गया है कि उन दोनों ने शादी कर ली है और साथ ही अब अंजू ने धर्म परिवर्तित कर लिया है और उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है, और अंजू से नाम भी उसने फातिमा कर लिया है। अब ऐसे में इन चीजों को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो झूठ बोलकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती है, पूरे कागजात के साथ जाती है, पाकिस्तान की पुलिस पूछताछ करती है और सब कुछ सही पाती है, और उसके बाद भी उसके बाद नसरुल्ला का एक बयान सामने आता है और जिसमें नसरुल्ला ये कहता है कि वो धर्म परिवर्तित नहीं करवाएगा और अगर अंजू की मर्जी जैसी होगी वैसा करेगा। अब ऐसे में ये समझना होगा कि क्या ये धर्म परिवर्तन अंजू की मर्जी से है, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की किसी लड़की का चले जाना और उसके बाद उसको हिंदू धर्म ही अपनाना, सोचेगा कि पाकिस्तान वो देश है जिस देश के भीतर खुद उस देश में रहने वाले हिंदू सुरक्षित नहीं है, पकड़ पकड़ कर उनके साथ धर्म परिवर्तित करवाया जाता है, लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जाती है, जाप्ती की जाती है और उनका धर्म बदलवाया जाता है। अब ऐसे में अगर हिंदुस्तान से कोई लड़की चली जाती है तो वो कैसे सुरक्षित रह सकती है, ये तमाम सवाल अभी उठ रहे हैं सत्यम। केके राणा, ऐसा भी लोगों का कहना है जिस तरीके से अब लगातार सोशल मीडिया पर बयानबाजी हो रही है तमाम लोगों की, कि कहीं जिस तरीके से अंजू का बयान सामने निकल कर आया था कि वो निकाह करने यहां पर नहीं आई, अपने दोस्त से मिलने आई है, उसने ये भी कहा था कि मीडिया कर्मी हमारे घर वालों को परेशान ना करें, हम वापस भी आ जाएंगे, तो ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि कहीं जबरन तो इसका निकाह तो नहीं करा दिया गया है नसरुल्ला से, और धर्म परिवर्तन भी जबरन तो नहीं करवाया गया है। बिल्कुल, इसी सवाल को मैं उठा रहा था सत्यम, और ये मैंने बताया था कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, लगातार वहां से ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार हिंदू की बेटियों को वहां जबरदस्ती निकाह कराया जाता है, धर्म परिवर्तित कराया जाता है और उनको कन्वर्ट कराया जाता है।
अब ऐसे में एक हिंदुस्तान से अगर हिंदुस्तान की लड़की जाती है, हिंदुस्तान की बेटी जाती है, तो फिर वो कैसे सुरक्षित रह सकती है, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। रही बात उसके पिता की, तो अंजू के पिता का भी एक बयान सामने आया और जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी यानी कि अंजू का चेहरा पिछले 20 साल से देखा तक नहीं है, उससे बात भी नहीं की है। जब उनसे इसके पीछे के कारण को पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि अंजू एक सन के दिमाग की लड़की है, जिसकी वजह से उसके जिद, उसका सनकीपन की वजह से उसके पिता उससे नाराज थे और पिछले 20 सालों से उसने उनसे बात नहीं की है, और जिसके चलते ये जो बयान सामने आया। अब इसके आधार पर आप पाकिस्तान की तस्वीर को भी समझ सकते हैं कि वो अपने पति से झूठ बोलकर जाती है कि वो जयपुर किसी शादी समारोह में जा रही है, लेकिन वो पहुंच जाती है लाहौर और लाहौर पहुंचने के बाद वीडियो कॉल करके बताती है कि वो लाहौर आ चुकी है और उसके बाद वो पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान में जाने के बाद नसरुल्ला से मिलती है। ये सारी चीजें उसके सनक को बताता है, उसके सनकीपन को बताता है। अब रही बात धर्म परिवर्तित कर लेने की, तो ये इस बात में कोई दोराय नहीं है कि वहां उसके साथ इन चीजों को लेकर, निकाह को लेकर, उसके धर्म परिवर्तन को लेकर कोई जबरदस्ती नहीं की गई हो। इस बात से यानी कि इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी हरकतें लगातार होती हैं और पाकिस्तान का ये दौरा पाकिस्तान में ऐसी हरकतें भी होती हैं और तमाम हिंदू परिवारों से यहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया के राणा, तमाम जानकारी साझा करने